अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। कहते हैं पार्टिकल फॉल टू अर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट ग्रेट हाइट मैनी टाइम अर्थ रेडियस। निगलेक्ट या रेजिस्टेंस शो दैट द पार्टिकल रिक्वायर्स अप्रॉक्सीमेटली 9/11 ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फॉल टू ट्रेवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द रेडियस। कहते हैं कि आप पार्टिकल्स सो दैट द पार्टिकल रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 9/11 ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द फॉल टू ट्रेवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवर्स करने के लिए इसको 9/11 टाइम ऑफ दिस टाइम लेती है कि जब वो फर्स्ट हाफ कवर करती है जी। तो देखें, हम इक्वेशन ऑफ मोशन की, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन है तो पार्टिकल उसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पार्टिकल डाउन आएगा। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर पार्टिकल मूव कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, जिसमें देखें काइनेटिक एनर्जी पैसे होते हैं एम ओवर टू एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर एक्स, क्योंकि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यूज इज इक्वल टोटल एनर्जी जो कि माइनस जी एम एम ओवर एक्स एट एनी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे पहली बात तो ये कि दोनों जो सवाल एम था जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही थी वो मैथ दोनों दोनों ने कैंसिल किया है, जो कि क्वेश्चन काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर एक्स एट इन्फिनिटी या एट एनी पॉइंट, एंड एक्स इज द डिस्टेंस जब पार्टिकल किसी पॉइंट एक्स पे था, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि टोटल एनर्जी है। तो यहाँ से अब अगर आप एक्स डॉट की वैल्यू को सेपरेट करें और एक्स डॉट को आप लिखें डी एक्स ओवर डी टी, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड कर लें, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, तो इसमें जी एम कॉमन आ जाएगा, और ये 1/(x-1)/(x), और ये जो 2 है ये भी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स डॉट को डी एक्स ओवर डी टी, और एक्स इन जो सब इन्फिनिटी इज सम फिक्स्ड लार्ज डिस्टेंस, देयरफॉर द टाइम फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स इन्फिनिटी टू एक्स इज, अगर आप टाइम के लिए इसको इंटीग्रेट कर लें, टाइम को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो एक्स एट एनी डिस्टेंस टू एक्स टाइम इतना लगेगा। अब हमारे पास जो है ये जो इंटीग्रल बन रहा है, इसमें कांस्टेंट को आप अलहदा कर लेंगे, और ये जो इसका एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आपके पास एक्स एक्स इन्फिनिटी एक्स नॉट माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रल बन जाएगा। अब अगर आपने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया है और हम जस्ट देखेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स इन्फिनिटी से तो वो आ रहा है, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक वो आएगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेकिन हम पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ लिमिट पुट करनी पड़े, बाकी हमारे पास आंसर मौजूद है। तो कहता है कि मेकिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल, एक्स को आप रिप्लेस कर लें वाई स्क्वायर से, तो अपेंडिक्स सी, तो आप यहाँ से मैं देखेंगे कि ये इंटीग्रल एक्स को आप क्या रिप्लेस करेंगे वाई स्क्वायर से, तो यहाँ पे आपके पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल में जो कि इक्वेशन E7 की है आपकी बुक्स के अंदर में, ये इंटीग्रल आप देखें, जैसे आप एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे तो जाहिर बात है ये जो डी एक्स है ये बन जाएगा 2y dy बन जाएगा, और इस तरीके से बाकी आप इसमें चेंज करेंगे तो ये आपके पास कोई इंटीग्रल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये ज़रा आप अपेंडिक्स 7 में जाके देख लें, और लिमिट एक्स नॉट टू एक्स, ये अब देखिए हमारे पास एक्स नॉट जो एक्स इज इक्वल टू, वो कहते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये अभी मैंने क्वेश्चन में देखा कि वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे हो, टू ट्रेवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ये देखें फर्स्ट हाफ, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी जो टोटल डिस्टेंस ओवर टू इन इक्वेशन 4 इसमें पुट करेंगे, वी ऑब्टेन द टाइम फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल द टोटल डिस्टेंस एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ, ये टी नॉट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट टू, कि वो एक्स नॉट से यानी जो कि एक्स इन्फिनिटी से लेके पहले एक्स ज़ीरो डिस्टेंस तक एक टाइम लेके जो कि टी नॉट होगा, ठीक है, एक्स पहले आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, वी सेट एक्स इक्वल ज़ीरो फॉर टी नॉट जो टोटल टाइम लग रहा है, क्योंकि वो पार्टिकल देखें यहाँ से जा रहा है और यहाँ तक इन एक्स इक्वल टू ज़ीरो तक, फिर वो कहते हैं फॉर हाफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, एक्स इन्फिनिट से लेके यानी एक्स अब इन्फिनिट से लेके हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जिसको वो कहता है टी हाफ, इसके लिए एक यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक
जो कि इसका हमारे साठ का सेंटर है, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं एक्स नॉट टू ज़ीरो, यानी एक्स इन्फिनिट से लेके ज़ीरो तक डिस्टेंस। ये हमारे पास कितना टाइम ले रहा है, टी नॉट। दूसरी दफ़ा जब वो यहाँ एक्स इन्फिनिट से आ रहा है यहाँ तक, इस तक हमारे पास कितना एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट ओवर टू, और यहाँ पे आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे ये वाले, तो ये आपके पास बन जाएगा वन ओवर जी एम एक्स नॉट ओवर टू थ्री बाई टू प्लस वन ओवर टू। ये इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे ये अपर और लोअर लिमिट में इस इंटीग्रल में, तो आपके पास दो केस आएंगे, एक आपके टी के लिए टी नॉट आएगा जब आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, और एक जब एक्स की जगह आप एक्स इन्फिनिट या एक्स आप इन्फिनिट ओवर टू पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा टी वन बाई टू। तो इन दोनों की आप रेशो ले लेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा 0.818, जो कि गिवन आंसर था। इसमें सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हैं कि जस्ट आप पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक टी नॉट से लिखेंगे, और फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स इन्फिनिट यानी एक्स सब इन्फिनिट ओवर टू। एक्स सब इन्फिनिट का मतलब ये है कि बॉडी किसी फर्दस्ट पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था मेरे ख्याल में 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जी ये पहले मैं इस प्रीवियस क्वेश्चन को कर लेते हैं।